सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के अंदर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट क्लास के साथ बढ़ रहे हैं। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर है, जो भी है उसका पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल तथा इसकी यूनिट है सेकंड कर दी है। इसका टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंदर प्रश्न आता है, एक नया स्पोर्ट प्रश्न है, वो राजस्थान में जो है खनिज संसाधन समस्याएं एवं संरक्षण। राजस्थान में जो खनिज संसाधन है समस्याएं हैं, उनके संरक्षण का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो देखो राजस्थान के अंदर जो खनिजों के बारे में है, पहले बात करते हैं परिचय के या थोड़ा विस्तृत रूप से। वो वैज्ञानिकों जो भूगोल डेटा है, वो ग्रह डेटा का अनुमान है कि राजस्थान में खनिजों में पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस संदर्भ में भू सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, किंतु अभी भी नवीन तकनीकी दूर समय तक आने से और अधिक खनिज सर्वेक्षण की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो क्षेत्रों का सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण और करना, वो भी किससे, वैज्ञानिक विधियों से, किंतु जिससे कि नवीन खनिजों एवं खनिज भंडारों का पता लगाया जा सके। राज्य में नवीन खनिज क्षेत्र आधारित है। कौन कौन से जो खनिज क्षेत्र हैं नए वाले, वो देखो पहले। उदयपुर भीलवाड़ा जिले में बेरिलियम का अनुभव। नंबर फाइव है उदयपुर व जो भीलवाड़ा है, उन जिलों में किसका, बेरिलियम का जमाव। नवीन जो क्षेत्र है इनके लिए सीकर ने एपेटाइट और पायरेटाइट के भंडार, सीकर ने एपेटाइट व पायराइट के भंडारों का बारे में पता लगा। अजमेर ने मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट का गुरमेट प्लेट का पता लगाना तथा इसी के प्रकार उदयपुर में बेराइट के भंडार का पता लगाना तथा झुंझुनू में नए तांबे भंडार का पता लगाना, उदयपुर में राजपुरा तरीका में सीता भंडार भंडार की ओर पता लगाना, बूंदी पानी सिवोई अजमेर में संगमरमर के भंडार का पता लगाना, दुर्गापुर और सीकर में फ्लोराइड के नए क्षेत्र, उदयपुर में नागरा की पाल के निकट लोहे के भंडार, हाड़ोती और चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर और इमारती पत्थर के भंडार, कोटा में सिंधिका तेल के जमाव, उदयपुर बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में तांबा, नागौर में लिग्नाइट भंडार, पाली में टंगनजन आदि, अलवर के मुंडियावार में तांबे चांदी और सोने के भंडारों के बारे में। तो नवीन खनिज सर्वेक्षण के आधार पर राज्य ने अलवर जिले की थानागाजी तहसील के मुंडियावार क्षेत्र में तांबे चांदी एवं सोने के भंडार होने की संभावना है। भीलवाड़ा राजसमंद और उदयपुर में जस्ता सीता एवं चांदी, जबकि अजमेर भीलवाड़ा डूंगरपुर इनमें तांबे के भंडार होने की संभावना है। दोसा और बांसवाड़ा में सोना प्राप्त होने की संभावना है। तो मुख्य रूप से वास्तविकता के अनुसार राजस्थान के भूगर्भ की संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ अनेक खनिज व नवीन भंडार की असीम संभावनाएं हैं। तो इनको अभी वर्तमान में अगर बात करें नियोजित तरीके से निकाला गया तो वह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आने वाले आवश्यकता अनुरूप खनिजों का पता लगाया जाए और उन्हें अच्छी तरह से और अच्छी विधियों के साथ में और निकाला जाए। अब बात करते हैं खनिजों की, जो मैं जो खनिजों के खनिज जो दुर्लभ एवं सीमित खनिज सरकार द्वारा ही खरीदे जाने चाहिए तथा खनिजों को शोषण पर भी सरकारी नियंत्रण होना आवश्यक है। खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रभावी योजना बनाना अति आवश्यक है। तो राजस्थान का खनिज खनन उद्योग करते हुए
कई समस्याएं ग्रस्त है, तो ये समस्याएं देखो कौन कौन सी है। समस्याओं की अगर बात की जाए तो वो देखो, नंबर फाइव है जो राजस्थान में अभी कुछ समस्याएं आ रही थी जो कि वो कौन कौन सी है देखो। नंबर फाइव है राज्य में खनिजों का केंद्रीकरण तटीय दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों में अधिक है, पश्चिमी राजस्थान खनिजों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम संपन्न है। यानी पश्चिमी राजस्थान खनिजों की दृष्टि से कम संपन्न है। सेकेंड है राजस्थान में लोहा खनिज नगण्य है। लोहा खनिज नगण्य तथा थर्ड है यहां खनिज ईंधन जिसे भी कोयले का अभाव। फोर्थ है राजस्थान में खनिज दोहन उच्च तकनीकी का प्रयोग कम होने पर उनके अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राज्य में निकालने वाले अधिकांश खनिजों का उपयोग अन्य राज्य कर रहे हैं, अतः राज्य के खनिजों का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। अगला है राज्य में आंतरिक खनन क्षेत्रों तक परिवहन की सीमित सुविधा है। यानी परिवहन की सुविधा है सुविधा की समस्या। अगली अगर बात करें पानी की कमी, यानी इनको विभिन्न उद्योगों के लिए इनकी खुदाई के लिए खनन प्रक्रिया के लिए तो पानी की खनन उद्योग पर जितने प्रभाव डाल रही है। उपयुक्त तकनीकी के अभाव में खनिजों का प्राप्त गौण पदार्थ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। उच्च तकनीक का अभाव तथा खनिज खनन सीमित व्यक्तियों के पास होने के उनका एनर्जी शोषण व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होते हुए भी अनेक खनिजों की अल्प मात्रा में उपलब्धता अनियंत्रित होने के कारण खनिज खनन पर्यावरण के लिए संकट बन रहा है। खनिज सरकार ने इस दिशा में रोक भी लगाई है किंतु यह अधिक प्रभावी नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी खनिज खनन के लिए प्रभावी कर रहा है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में अगर निष्कर्ष निकाला जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो खनिज प्राप्त हो रहे हैं, राजस्थान की विपुल खनिज संपदा का उचित संरक्षण होना आवश्यक है और राज्य के हित में उनका नियोजित उपयोग होना चाहिए। राज्य सरकार खनिज खनन नवीन खनिजों की उपलब्धता के प्रति सचेत, राज्य के खनन एवं खनिजों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं संस्थाएं व निगम संचालित है। अब देखो जो खनिजों के प्रति संचालन और संस्थाएं उनके बारे में बता रहे हैं। ये दो तीन मुख्य जो समस्याएं जो निगम है तो नंबर फाइव निगम है ये है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम आर एस एम डी सी यानी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। सेकंड है वो है राजस्थान औद्योगिक एवं खनन विकास निगम आर आई एम डी सी राजस्थान औद्योगिक एवं खनन विकास निगम। थर्ड है वो है आर एस एम एम यानी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड। अगला है आर एस टी डी सी राजस्थान राज्य संगठन विकास निगम। तो इस प्रकार से ये निगम संस्थाएं मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर खनिजों की संस्थाएं हैं जो खनिजों के उत्पादन वगैरह पे और
गिराने का कार्य करेंगे। भारत ने राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 को, अब देखो ये तो होगी मैं इसको मिटा दूँ, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 को ध्यान में रखेंगे। राज्य सरकार से राजस्थान की नई खनिज नीति 1994 जारी की, इसलिए देखो 1994 में खनिज राजस्थान की नई खनिज नीति 2005 जो रोजगार नीति बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी, इसके जो प्रमुख पद है निम्न है। खनिजों के संरक्षण हेतु देखो नंबर फाइव है खनन क्षेत्र में रोजगार संवर्धन, दूसरा है खनिज आधारित औद्योगिक पर्यावरण का सर्जन, तीसरा है नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, चौथा है खनिजों का निर्यात, पांचवा नागरिकरण खनन का रोग, छठा है वन संपदा का संरक्षण करना है, खनिज संपदा की खोज का कार्य और पर्यावरण को सुदृढ़ीकरण यानी सुदृढ़ीकरण से दृढ़ीकरण करना है। अगला है खनन के वैध पदार्थों का, खनन के वैध पदार्थों का उपयोग करना है, आधारभूत ढांचे का विकास करना है, खनन एवं खनिज उत्पादन किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्य देखो कौन कौन से। जो इसके संरक्षण हेतु निम्न कार्य इसके संरक्षण हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं वो जो नंबर फाइव है ये है खनन अनाधिकृत खनन पर रोक बिल्कुल भी पाबंदी लगानी जाए तथा इको फ्रेंडली खनन पॉलिसी, इको फ्रेंडली खनन पॉलिसी शुरू की जाए तथा थर्ड है
राज्य के सभी जिलों के लिए खनन प्लान तैयार करना। फोर्थ है एलोहे एवं कीमती धातुओं लाइन स्टोन तथा लिग्नाइट के लिए सर्वेक्षण। पांचवा है औद्योगिक खनिज एवं आयामी पत्थरों के लिए भूल पहले सर्वेक्षण। छठा है खनिज क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण भूगर्भीय मानचित्रीकरण एवं भूभौतिकी सर्वेक्षणों द्वारा राज्य के नवीन खनिज क्षेत्रों का ज्ञान पता लगाना। पर्यावरणीय सुधार की दृष्टि से खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल रेस्टोरेंस योजना के अंतर्गत दमनी वायु जल प्रदूषण की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की जाए तथा राज्य युवा जनजाति क्षेत्रों में खनन कार्य एवं खनन पट्टे देने के लिए आदिवासी जो वहाँ की जो मूल निवासी है उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि बाहर वाले को पहले प्राथमिकता, जिससे वहाँ के जो लोगों को है अधिक से अधिक रोजगार मिले तथा इसके अतिरिक्त बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो ऋण है वो उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके कारण उन खनिज जो क्षेत्र है उनका आरंभ संवर्धन हो सके और नियोजित मात्रा में निकाल सके। राज्य सरकार के सर्वेक्षण प्रयत्नों से ही राज्य ने गैस एवं पेट्रोल के भंडारों का पता चला है। इस समय राजस्थान में खनिज संपदा का यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी है तथा नियोजित विकास के लिए इसे और अधिक सुदृढ़ बना जाए। इसके लिए नए नए केंद्रित और जो पुरानी जो पद्धतियाँ हैं उनमें नए परिवर्तन होने हो रहे हैं तथा होने भी चाहिए, इसलिए आगे को सहकोर्मी विकास का धारणीय सतत विकास है उसकी राह पर राजस्थान अग्रसर हो तथा जो खनिजों का विकास है उसी की राह पर हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।